स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्राफ्ट में रिपब्लिक डे से रिलेटेड क्राफ्ट बताने जा रही हूँ। अभी हम लोग इस पे स्टेंसिल्स का भी वर्क करेंगे, पर स्टेंसिल्स का वर्क करने से पहले अभी हम लोग मैंने यहाँ पे एक प्लाई लिया है। आप लोग किसी भी साइज का प्लाई ले सकते हो, A4 साइज हो तो ज्यादा बेटर रहता है। मैंने यहाँ A4 से थोड़ा सा बड़ा लिया है। उसके लिए हमें चाहिए कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ऑरेंज और ग्रीन। ये हमारे फ्लैग का कलर है क्योंकि हम लोग रिपब्लिक डे पे इसको बना रहे हैं। आज जो भी क्राफ्ट बताएंगे ना, जो भी कलर करना बताएंगे, उसके लिए हम लोग को ब्रश की जरूरत नहीं है। हम लोग को ब्रश की जगह पे स्पंज की जरूरत है। हम इस स्पंज से आज के क्राफ्ट को बनाएंगे। सबसे पहले जो भी MDF बोर्ड हो, प्लाई हो, आप लोग जो भी ले रहे हैं, उसको व्हाइट कलर से इस तरह से उसके बेस को कलर कर लेंगे। कलर करने के लिए एक बार नहीं, 3 से 4 बार व्हाइट कलर का कलर करेंगे हम लोग। पहले लंबे, फिर ऐसे चौड़े में ब्रश चलाते हुए इस तरह से हम लोग को बोर्ड तैयार करना है। अब हम लोग इस पर जैसे फ्लैग में कलर आता है ना, उस तरह से इसको कलर करना है। ऊपर में ऑरेंज होता है तो सबसे पहले हम लोग ऑरेंज कलर लेते हैं। बिना ब्रश के हम लोग कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। इस तरह से स्पॉन्ज लिए, फिर वापस इसमें रखें और टैप टैप करना है बस। इस तरह से करने पे ना पूरा चिकना नहीं होता है, हल्का हल्का बबल्स लिए हुए रहता है, तो ये बहुत अच्छा लुक लगता है इसका। सीधा कलर नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा तिरछा लेते हुए कलर करेंगे। स्पंज में पानी नहीं लगा होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इस तरह से अब इसी तरह से हम लोग नीचे ग्रीन करेंगे। स्पॉन्ज की दूसरी तरफ से, इधर जो मैंने स्पॉन्ज लिया है ना, जिससे मैंने किया ऑरेंज, उधर से नहीं, दूसरे साइड से। इस तरह से ग्रीन कलर भी मैंने कर लिया है, आप लोग भी इसी तरह से कर लीजिएगा। ब्रश से करने पे ना वो लुक नहीं आएगा जो स्पंज से करने पे आ रहा है। इस तरह से ये हमारा फ्लैग का कलर हो गया। अब हम लोगों को इसके ऊपर ना स्टेंसिल्स वर्क करना है, तो जब तक ये गीला रहेगा तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को अगले क्लास में फिर मैं आप लोग को बताऊंगी, उसके लिए ज़रूरत है OHP सीट का और ब्लैक कलर का हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही है। आप
लोग इतना बना करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे कैसे स्टेंसिल्स कटिंग करना है और उसका कैसे यूज करना है। थैंक यू।